सत श्री अकाल फ्रेंड्स, स्वागत है तुहाडा तुहाडे अपने चैनल टैक्निकल गौरमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया दे विच। फ्रेंड्स, अज दी इस वीडियो दे विच आपां गल करन जा रहे हैं, जिवें तुहानू पता ही है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन दी वैकेंसीज निकलिया हुई ने, लास्ट डेट अपलाई करन दी 5 मार्च है, ठीक है। तो आपां इस वीडियो दे विच गल करांगे कि एग्जाम लास्ट ईयर किहो जिहा आया सीगा और तुहानू किहो जिहा आना है, जिस हिसाब नाल तुसीं अपनी तैयारी कर सकते हो। तुसीं वीडियो नू शुरू तो लैके एंड तक देखना ताकि तुहानू कन्फर्म हो जाए किहो जिहा एग्जाम आएगा। जिवें तुहानू पता है 10th तो पोस्ट ग्रैजुएट डिग्री परसन की वैकेंसीज निकलिया ने। फ्रेंड्स, सब तो पहला जे तुसीं मेरे चैनल पर नवे हो तो रैड बटन दबा के सबसक्राइब जरूर कर लवो ताकि मैं कोई भी जॉब पावां उसका नोटिफिकेशन उस टाइम तुहाडे कोल आ जाए ते तुसीं मेरे द्वारा पाई हुई हरेक जॉब नू टाइम ते अप्लाई कर पाओ और अपने फ्रेंड्स दे नाल शेयर कर पाओ। फ्रेंड्स, चलो हुण असीं गल करदे हां PPSC एग्जाम दे लई। देखो, इहो जिहा तुहानू क्वेश्चन पेपर नज़र आ रहा, जिवें कि इदां दा क्वेश्चन पेपर आंदा आ, ठीक है। फस्ट क्वेश्चन देखो, इहदे विच फस्ट ऑफ ऑल इहनां ने तुहानू इक पैरा दित्ता होया वा, जिवें आपां छोटे हुंदे तों पढ़दे आ रहे हां, इक पैरा तुहानू दित्ता जाएगा, उहदे नाल रिलेटिड तुहानू 4 तों 5 प्रश्न आणगे, ठीक है। पैरे नूं पहलां पूरी तरह तुसीं पढ़ लेना है, पैरे दे नाल दे रिलेटिड क्वेश्चन ही तुहानू आणगे, 5 प्रश्न आणगे जिदां इहदे विच आए होए ने। देखो, अचेतन तों की भाव है, अचेतन विच अचेतन एक गतिशील वर्तारा किवें है, चेतन ते अचेतन विचला अंतर स्पष्ट करो, ठीक है। इस पैरे दा ढुकवां सिर लिख दो। और चौथा हैगा, अचेतन विच संघर्ष दे की कारण। इदां दा तुहानू एक पैरा आएगा, इन्ना तुहानू एसटीमेट लग गया ना कि पहला प्रश्न तुहानू किहो जिहा आएगा। हुण देखो, आपां गल करांगे दूजा प्रश्न। देखो, सेम तुहानू पैरा आएगा, लेकिन इस पैरे दे विच तुसीं की करना वा, एक तिहाई शब्दों में संखेप रचना करके एक ढुकवां सिरलेख भी देना है। जिवें पहले वाले जो ढुकवां सिरलेख कटना, ये भी एक ढुकवां सिरलेख भी देना है और संखेप रचना करनी है। हुण देखो, आप गल करांगे नैक्सट प्रश्न की। इन्ना तुहानू अंदाजा लग गया पहले दो प्रश्न जिहड़े आने वो पैरे नाल रिलेटिड आने ने, ठीक है जी। हुण देखो, थर्ड प्रश्न है, इहदे विच हेठ लिखे पत्रां विचों कोई एक पत्र लिखो। ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਆਉਣੇ ਨੇ ਪੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। 10 ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 400 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖੋ। ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਸੇ ਟਾਈਪ ਬਣਾਉਣਾ ਆ 400 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ। ਉਹ 4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਪਾਓਗੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 400 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ 5ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ। 5ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। 5ਵੇਂ ਦੇ 2 ਪਾਰਟ ਨੇ, 5ਵੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਮਨ ਲਿਖਿਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ ਇਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, 5ਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ, 5ਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ, ਨਿਮਨ ਲਿਖਿਤ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਾਗ ਐੜਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ 2 ਪਾਰਟ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ 5ਵੇਂ ਦੇ 2 ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ, 6ਵੇਂ ਦੇ 2 ਪਾਰਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਿਮਨ ਲਿਖਿਤ ਅਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆ 5 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਪੱਕੇ, 5 ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ ਪੱਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 6ਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੈ, 5 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕ 5 ਮੁਹਾਵਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 5 ਪੱਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੰਬਰ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੇਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਪਰਸੈਂਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ 7ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ। 7ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ। ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 8ਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, 5 ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲੋ ਵਾਕ ਵਟਾਂਦਰਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਮਿਕ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਬਦਲਣਾ, ਵਿਸਮਿਕ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਆ।
सैकेंड देखो बच्चा माँ नाल जा रहा है, इनू बनाना वचन बदलो बच्चे माँ नाल जा रहे हैं। सिंपल क्वेश्चन ने, तुसी थोड़ा रिवाइज कर लियो बस, तुसी क्लीयर कर सकते हो एग्जाम आराम दे नाल, कोई ज़्यादा टफ नहीं हैगा एग्जाम। हुण अगे देखो नौवां प्रश्न हैगा वाच बदलो, कर्तरीवाच तो कर्मणीवाच, कर्मणीवाच तो कर्तरीवाच बनाने ने, पंज तुहानू दिते होए ने इत्थों पंज तुहाडे नंबर पक्के हो सकते हैं। दसवां प्रश्न देखो विश्राम चिन्ह लगाने हैं पैरे नूं, पैरे तो इत्थों तुहानू लगदा चिन्ह लगने ने, विश्राम चिन्ह लगा देने। ग्यारहवां देखो अगेतर शब्द, यह भी आपां पढ़दे आ रहे हैं, इत्थों पंज नंबर पक्के हो सकते आराम दे नाल। बारहवें विच भी पंज नंबर आराम नाल तुहाडे पक्के हो सकते ने। हुण तेरहवां देखो हेठ लिखे शब्दां नूं दो दो वाकां विच इस तरह वरतो कि बहु अर्थक शब्दां दे अर्थ स्पष्ट हो जाण। इन्होंने पांच दिते इतने तुम्हें दस नंबर आराम न मिल सकते हैं, ईजीली तुम्हें उत्तर दस नंबर मिल जाने। तुम यही वाले क्वेश्चन पेपर में भी रिवाइज जरूर कर लियो। फ्रेंड्स आई होप तुम्हें मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा, हो सके तो नोट डाउन भी कर लियो क्वेश्चन पेपर ताकि रिविजन हो सके। आई होप तुम्हें मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अगर तुम्हें मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करियो, कमेंट करके जरूर दस्यो कि तुम्हें मेरा वीडियो कहो जहा लगा। फ्रेंड्स आई होप अगर तुम मेरे चैनल पर नवे हो तुसी सबसक्राइब जरूर कर लिया होएगा, जे तुसी सबसक्राइब कर लेता है तो तुसी बैल आइकन जरूर दबाइयो क्योंकि नोटिफिकेशन यूट्यूब ता ही भेजेगा तुहाडे कोल जे तुसी बैल आइकन दबाया होया। एक्चुअल दे विच ही नोटिफिकेशन दे लई ही हुंदा है, इस करके सबसक्राइब दे नाल बैल बटन जरूर दबाना हुंदा है। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।